और अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी हर तरफ चर्चा है और ये खबर है दिल्ली में पानी को लेकर मचे हाहाकार की। दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच पानी की कमी को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे व्यवस्था पानी पानी हो चुकी है और लोग टैंकर्स का घंटों इंतजार करते हैं और टैंकर के आते ही बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिलती हैं। देखो कितना एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, जल नहीं है इसलिए जीवन बेकार हो गया है। अब गर्मी जब से ज्यादा हो रही है तो पानी से हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। राजनीति करने से और पंजाब में जाने से दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में तापमान 50 के पार है और देश की राजधानी में पानी के लिए हाहाकार मचा है। तस्वीरें देखिए, पानी के टैंकर के पीछे भागते ये लोग किसी दूर दराज इलाके के नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं जो कि इस चिलचिलाती गर्मी में पानी की कमी झेल रहे हैं। पानी का टैंकर देखते ही लोगों के बीच लूटपाट मच जाती है। सब चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले पानी मिले। घंटों तक इंतजार करने के बाद लोगों को पानी मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पहले टैंकर दोबारा आता था तो पानी की कमी नहीं होती थी, लेकिन गर्मी बढ़ते ही जल बोर्ड ने टैंकर कम भेजने शुरू कर दिए हैं। हमारे को तो पानी चाहिए, टैंकर ना दे कोई बात नहीं, लाइन में पानी दे दो बस। हमारे 9 नंबर गली में एक बूंद पानी नहीं आती है। टैंकर देते हैं 8 घर में, 4 घर में, तो टैंकर जिसके घर में 10 फैमिली 20 फैमिली है वो होगा क्या? मेरा बिल आया 3500 रुपए, टैंकर पानी चला रहे हैं, मीटर भाग रहा है, उसका बिल कौन भरेगा? हम टैंकर मंगा रहे हैं, हम लोग 10 बार जाता था कि नहीं पानी नहीं आएगा, तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारा पॉइंट नहीं है, मरता है ऐसे। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि जो पानी पीने के लिए लाया जा रहा है वो भी मिट्टी से भरा है। पानी है ही नहीं, सूखा पड़ गया, जैसे कि यहाँ पे एकदम सूखा पड़ गया, सुबह पानी नहीं है, शाम पानी नहीं है, खरीद के पानी कितना खरीद लेंगे? अब कपड़े किससे धोए, खाना किससे बनाए, पीने का तो खरीद लेंगे, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पानी तो चाहिए ही। देखा जाए तो अब एक महीने से तो हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। अब पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, दूसरे राज्यों से पानी की मांग की जा रही है, तो वहीं अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने आज दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बड़ा प्रदर्शन भी किया। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 पानी फिर पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन जिन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा ने यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जिसकी वजह से ये किल्लत पैदा हुई है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए लाइनें लगाकर खड़े लोगों के सवालों का जवाब तो दिल्ली सरकार को देना ही होगा कि आखिर क्यों देश की राजधानी में पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।